नमस्कार दोस्तों, रेस 4 के लिए शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसका ट्रेलर आप लोगों के बीच में बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें कि सैफ अली खान एक मुख्य और एक अहम रोल में निभाते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ट्रेलर की बात कर लेते हैं तो बॉलीवुड का ये इस मूवी का ट्रेलर आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जिसमें कि सैफ अली खान के साथ साथ में इसमें सलमान खान भी काम करते नजर आएंगे और अनिल कपूर भी एक अहम रोल में निभाते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं रेस की, तो रेस 1 जो कि सैफ अली खान कर रहे थे, जिसमें कि कैटरीना कैफ थी, काफ़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। उसके बाद में फिर दीपिका पादुकोण ने रेस 2 में काम किया था, जिसमें कि जॉनी ब्राइन ने भी काम किया था। रेस 2 सुपरहिट साबित हुई थी। रेस 3 में जो कि सलमान खान कर रहे थे, लेकिन वो सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। और एक बार फिर से मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि रेस 4 में एक बार सलमान खान के साथ साथ में सैफ अली खान की एंट्री हो चुकी है। और सैफ अली खान, क्योंकि सैफ अली खान शुरू से ही रेस के हीरो थे, रेस के हीरो होने के बाद अब सैफ अली खान का पूरा फोकस अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी रेस 4 पर पूरा लगा हुआ है। क्योंकि जब से रेस 3 फ्लॉप हुई है, तो मेकर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये उनको पता है कि सैफ अली खान सुपर हीरो हैं और उनकी कोई भी मूवी ज़्यादा टाइम तक चलती है, इसीलिए उन्होंने रेस 4 के लिए सैफ अली खान को बतौर हीरो के तौर पर रखा है। वहीं पे उनके अपोजिट नज़र आएंगी आपकी फेवरेट जैकलीना फर्नांडिस, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े हीरो की, तो सबसे बड़े हीरो में सलमान खान गिने जाते हैं। लेकिन रेस के लिए, रेस 4 के लिए इस टाइम के सबसे बड़े हीरो की बात करें तो सैफ अली खान अब तक के सबसे बड़े हीरो हैं। अनिल कपूर का भी एक अच्छा खासा किरदार रखा गया है रेस 4 में, उनके साथ साथ में सलमान खान का भी किरदार रखा गया। लेकिन सलमान खान की भूमिका एक नेगेटिव भूमिका होने वाली है, वहीं बतौर एक्टर के रूप में एंट्री लिए सैफ अली खान की, क्योंकि सैफ अली खान एक सुपर हीरो शुरू से ही हैं, क्योंकि जॉनी ब्राइन के टाइम पे रेस 2 में भी सुपर हीरो के तौर पर ही काम किया था सैफ अली खान ने। वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि दीपिका पादुकोण ने काम किया था रेस 2 में, और अब एक बार फिर से जैकलिन फर्नांडिस काम करने जा रही हैं रेस 4 में। आप लोग इस बात को जानकर काफ़ी खुशी होगी कि रेस 4 की शूटिंग आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो चुकी है और ट्रेलर इस साल के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर में सलमान खान और सैफ अली खान, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस काफ़ी सुपरहिट रोल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये मूवी पूरे एक्शन से भरपूर नज़र आएगी। कहीं ना कहीं अब तक की सबसे अच्छी, सबसे सुपर और सबसे डुपर हिट मूवी इनमें से गिने जाने वाली मूवी भी ये बन चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं लोग इस मूवी का काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत जल्दी आप लोग एक बार फिर से रेस 4 का ट्रेलर देख पाएंगे, जो कि बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट मूवी में गिनी जाएगी। ये मूवी आपको 2021 में रिलीज होगी, जो कि 2021 तक आपके पास देखने को मिलेगी। अक्षय खन्ना ने भी रोल लिया था रेस में, रेस 1 में, जो कि सैफ अली खान के भाई बने हुए थे। काफ़ी अच्छी मूवी साबित हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी में जिस तरीका से रेस 3 में सैफ अली खान की एंट्री नहीं हुई थी, इसीलिए ये मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये भी पता लग चुका है कि सैफ अली खान ही इस रेस के असली घोड़े हैं और इस रेस के असली खिलाड़ी हैं, तो सैफ अली खान को लेना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।